हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द एम एस एंस अकेडमी मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे कीटोन बॉडीज़ के बारे में जो टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड द कीटो एसिडोसिस यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कीटोन बॉडीज होते क्या हैं कीटोन बॉडीज आपके तीन कंपाउंड होते हैं सबसे पहले एसीटोन से एसीटोन का फार्मूला दैट इज द सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री ओके देन सेकेंड दैट इज द एसीटो एसीटे acetate CH3 C double bond CH2CO okay so this is the negative CH3 CH2, C double bond CH2CO this is the acetate and third that is the beta hydroxy butyrate beta hydroxy butyrate beta hydroxy butyrate CH3 सी एच ओ एच सी ओ एके सो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को हम एक और नाम देते हैं दैट इज द थ्री हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ठीक है ये तीनों ही कीटोन बॉडीज आपके बॉडी में जनरेट होती हैं और क्यों जनरेट होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एसिटो एसिटेट है ये आपकी कहलाती है प्राइमरी एंटीबॉडी सॉरी नॉट सॉरी एंटीबॉडी प्राइमरी कीटोन बॉडीज प्राइमरी कीटोन बॉडी कीटोन बॉडी को मैं के से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जो आपकी एसीटोन एसीटोन और आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है इसको हम सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ बोलते हैं

अब हम कीटोन बॉडीज जो है हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं वो जनरेट तो होते हैं ये बात हमें क्लियर है लेकिन इसका हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन क्या है कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी में एंटी बॉडी सॉरी एनर्जी का सोर्स है एनर्जी का सोर्स है क्यों क्योंकि ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये बनती तो अलग अलग uh, जो है कंडीशंस पे है ठीक है तो यहाँ पर जो है अलग अलग कंडीशन में बनने की वजह से हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज़ कर लेती है ठीक है मैं थोड़ा सा इंक डाल लेती हूँ पेन हाँ तो हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज़ करती है और इनसे एनर्जी जनरेट करती है ठीक है तो एनर्जी जनरेट करने की वजह से जो है हमारी जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो हमारे लिए बड़े काम की चीज़ हो गई है ठीक है तो इसी जो है कीटोन बॉडीज़ को हमारी बॉडी एनर्जी का सोर्स मानती है लेकिन जनरेट कब होती है, ये? Generate हमारी, जो है दो कंडीशंस में होती है या जो है क्लिनिकली दो कंडीशंस में होती है नॉर्मली तो ये होती ही है लेकिन क्लिनिकली दो कंडीशंस में ये जनरेट होंगी सबसे पहले स्टारवेशन एंड सेकंड आपका डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज मेलिटस स्टारवेशन और डायबिटीज मेलेटस में ही ये मेनली जनरेट होते हैं लेकिन नॉर्मली ये जनरेट हो रही हैं कीटोन बॉडीज कीटोन बॉडीज आपकी बॉडी में नॉर्मली जनरेट हो रही है मैं फिर से बता रही हूँ लेकिन प्रोमिनंटली ये साइकिल कब ज़्यादा इफेक्टिवली uh, चलता है ये चलता है स्टारवेशन और आपका डायबिटीज मैलिटस में स्टारवेशन uh, और की, uh, आपका डायबिटीज मेलेटस के टाइम पे होता क्या है वो समझिए कि आपका इन दोनों ही टाइम पे ग्लूकोज Uh, जो है वो आपकी सेल्स को नहीं मिल रहा है या ये कह दीजिए कि डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज विल बी क्रिएटेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज जो होगा उसकी वजह से क्या जनरेट होने लग जाता है लिपोलाइसिस लिपोलाइसिस मतलब कि जब हमारी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारी सेल्स अब लिपिड को मेटाबोलाइज करना शुरू कर देंगी और लिपोलाइसिस यानी कि लिपोलाइसिस जनरेट करेंगे जिससे फैटी एसिड जनरेट होगा ये जो फैटी एसिड होता है ये फैटी एसिड आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और हम जानते हैं हम जानते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द सेंटर ऑफ ईच एंड एवरी एनर्जी साइकिल सभी साइकिल एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए पे मिलते हैं देन फिर वो टीसीए साइकिल में उनको ले जाता है अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होगा वो हमारे इन कीटोन बॉडीज को नॉर्मली नॉर्मल टाइम पे जब नॉर्मल कीटोन बॉडीज बन रही हैं, नॉर्मल अमाउंट में बन रही हैं तो ये एसिटाइल को उसको टी साइकिल में ले जाके एनर्जी प्रोसेस करेगा लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत होती है कि जब ये कंटिन्यू कंडीशन हो रही हैं यानी कि एसिटाइल को अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ओवर प्रोडक्शन हो रहा है देन टी सी ए साइकिल गेट इंपेयर्ड मतलब कि टी साइकिल उतना एफिशिएंसी रन नहीं कर पाता क्यों भाई ओवर प्रोडक्शन है सारा लोड टीसीए साइकिल पे आ जाएगा एक तो वो कंडीशन दूसरा ये कि टीसीए साइकिल का इंपेयरमेंट क्यों हो जाता है टीसीए साइकिल इंपेयरमेंट क्यों हो रहा है एक तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए कोएंजाइम ए एंड सेकंड सेकंड थिंग ऑक्सिलो एसिटेट ऑक्जिलो की अमाउंट जो है वो कम होने लगती है या ऑक्जिलो एसिटेट की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है ऑक्जिलो डेफिशिएंसी अब आप बताइए ऑक्जिलो की ऑक्जिलो एसिटेट कहाँ कहाँ आया था टी सी साइकिल रन करने में सबसे पहली स्टेप जो थी एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस ऑक्जिलो एसिटेट से ही सिट्रिक सिट्रिक एसिड बना था ठीक है तो अब यहां पर इसकी डेफिशिएंसी हो गई फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये, ये रिवर्स साइकिल चलाने लगता है और ग्लूकोज फॉर्मेशन में लग जाता है ठीक है तो वहां पर जो है आपका ऑक्सीलो एसिडेट जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो जाता है जिसकी वजह से टीसी इंपेयरमेंट हो जाता है ठीक है समझ में आ गया तो कीटोन बॉडीज जो हैं वो क्यों, क्यों क्यों बन पा रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो है एसिटाइल कोएंजाइम का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और टी सी साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम टी सी साइकिल में एंटर नहीं कर पाता ठीक है समझ में आ गया अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका जो कीटोन बॉडीज हैं ये कहाँ यूटिलाइज होती हैं कौन कौन से टिश्यूज में है ना तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नॉर्मली हमारी बॉडी में गलत बात नहीं है लेकिन ओवर प्रोडक्शन होना गलत बात है ठीक है तो सबसे पहले ये कहाँ कहाँ यूज हो जाते हैं इसके जो कौन कौन से ऑर्गन हैं ऑर्गन है इसका मेनली ब्रेन ब्रेन इसको इजीली यूटिलाइज कर पाता है 50 टू 70 परसेंट एनर्जी जो है ब्रेन की कीटोन बॉडीज़ ही देती है ठीक है उसके बाद ये जो ब्रेन है इसके अलावा जो है आपका आ, जो आ, कार्डिक मसल्स जो हैं वो इससे एनर्जी ले लेती हैं इसके अलावा जो है आपका रीनल कॉर्टेक्स जो है वो इससे एनर्जी ले लेता है ठीक है इसके अलावा स्केलेटल मसल जो हैं वो इससे एनर्जी लेती है ठीक है ये चीज़ें हैं अब यहाँ पर जो है आपके कौन कौन से ऑर्गन आपके कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं यानी कि यूज नहीं कर पाते हैं एनर्जी पर्पज के लिए वो है आपका लीवर और लीवर क्यों क्योंकि लीवर में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है दैट इज थायोफोरेज थायोफोरिज जो होगा वो एब्सेंट होता है अभी हम पढ़ेंगे साइकिल में कि एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है थायोफोरिज जो कि एसिटो एसिटेट से एसिटाइल को एंजाइम ए एंड बीटा बीटाहाइड्रोक्सीब्यूटारेट बनाने में जरूरी होता है वो इसमें नॉट थायो सॉरी थायोफोरिज जो होगा वो एंजाइम जो है इसमें एब्सेंट होता है एसिटो एसिटेट से आगे का प्रोसेस कराने में एब्सेंट होता है तो सॉरी दोबारा मैं दोबारा बता रही हूँ कि लीवर के अंदर जो थाज है वो एंजाइम एबसेंट होता है जो कि उसके यूटिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो एब्सेंट होगा इस वजह से लीवर इसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है उसके बाद जो सेकंड है आपका आरबीसी आरबीसी जो है वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है अब माइटोकॉन्ड्रिया में तो एसिटाइल को एंजाइम बन रहा है वो एब्सेंट होगा तो फिर आगे प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा ठीक है चलिए अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन की ठीक है फॉर्मेशन का जो साइकिल है फॉर्मेशन का जो साइकिल है सबसे पहले शुरू होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम ए से यहां पर ये यह आपका सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो एट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होगा उसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे एंड एसी टू कोएंजाइम ए बनाएगा एसी टू एसीटाइल ए सी एस थ्री सी डबल बोंडो सी एस टू सी डबल बोंडो एस सी दैट इज द एसी टू कोएंजाइम ए बनाता है ठीक है और जो एंजाइम लगता है दैट इज द बीटा कीटो था बीटा कीटो बीटा कीटो थायोलिस यहाँ पर लगेगा और इसमें कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है ठीक है अब जो एसिटो एसिटेट है यहाँ पर एसीटोटि एसिटेट यहाँ पर एच एम जी ए सिंथेस करता है और एच एम जी ए जो होगा वो जो सिंथेसिस शंथे, होगा वो एच एम जी सिंथेज की प्रेजेंस में होगा यहाँ पर देखो एच एम जी सिंथेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा आपका एच आपका एच एम जी को एंजाइम ए को सिंथेसिस करेगा ठीक है इसका जो फॉर्मूला है सी एक बार मैं इसको कन्फर्म कर लेती हूं सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच ओ एच सी एच थ्री ओके एंड देन सी एच टू सी डबल बॉन्डो एस को एंजाइम ए दिस इज द ओके, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल एच एम कोएंजाइम को ए ओके दिस इज द एच एम जी को एनजाइम एच एम जी को ए ठीक है और जो इसमें एंजाइम लगता है दैट इज द एच एम जी सिंथेज लगता है अब यहाँ पर जो एच बना एच एम जी ए बना है ये यह यहाँ पर एच एम जी कोन्जाइम ए लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एसी टू एसी में टूट जाएगा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ ठीक है थोड़ी सी जगह हमको सफिशेंट हो जाएगी ठीक है एच एम जी कोजाइम ए लाइसेस इसको एनजाइम्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ एच एम जी कोजाइम ए लाइज लाइस जो है ये यहां पर यूज हो जाएगा और ये यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा एसी टू एसीटेट में एसी टू एसीटेड एसी टू सी सॉरी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन एसीटो एसीटेट का सी एच टू सी डबल सी एच टू सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री दिस इज द एसी टू एसीटेट ऐसी टू यहाँ पर जो टूटेगा वो यहाँ पर ये यह कह सकते हो आप कि एसीटो एसिटेट जो होगा वो अब यहाँ पर आ, आपके एक तो ऐसी जो है वो प्राइमरी कीटोन बॉडीज़ है और ये प्राइमरी कीटोन बॉडीज़ से अब हमारे दो कीटोन बॉडीज़ जनरेट होंगे कौन कौन से उसको हम यहाँ पर बता देते हैं वो है आपका एसीटोन एसीटोन जो होगा वो यहां इसमें से CO2 टू बाहर निकल जाएगा और ये आपका सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एसीटोन निकल गया और उसके बाद जो है ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट जो है ओके okay? ये जो है आपका सी एच थ्री इसका भी एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बिटोरेट का सी सी एच टू सी एच ओ एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच ओ एच सी एच थ्री दिस इज द बीटा हाइड्रोक्स बीटा हाइड्रोक्सी बिटोरेट सी एच टू हाँ ठीक है तो यहां पर ये आपका क्या क्या बन गया एसीटोन दिस इज द एसीटोन एंड दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ठीक है अब यहां पर जो है आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और आपका आ, ये जो बना है इस प्रोसेस में आपका क्या हो जाता है यहां पर एनर्जी यूटिलाइज होती है और एनए से आपका एनएडी बनेगा यहां पर एनएडी प्लस एनएडीएच यहां पर यूटिलाइज हो जाता है ठीक है यानी कि यहां पर एनर्जी कंज्यूम होता है जो एसीटोन होता है वो वॉलेटाइल नेचर होता है ठीक है वॉलेटाइल नेचर है और ये एक्सक्रीटेड हो जाता है बाय लंग्स ये किसके थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बाय लंग्स ठीक है तो यहां पर जो फॉर्मेशन है देखिए फॉर्मेशन एंटीबॉडीज सॉरी कीटोन बॉडीज का हो गया है सबसे पहले यहां पर एसिटाइल के दो मॉलिक्यूल एसिटोटाइल को में में कन्वर्ट होंगे में में कन्वर्ट होंगे देन इस एच एम जी को एसिटो एसिडेट एंड एसिटो एसिडेट से एसिटोन और, और बिटाहाइड्रोक्सी बिटोहाइडेट जो है वो आपका जनरेट होगा ठीक है और जो एसिटोन है उसका वॉलेटाइल नेचर है तो यहां पर वो लंग्स के थ्रू जो है रिलीज आउट हो जाएगा ये है आपका फॉर्मेशन अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं यूटिलाइजेशन की ठीक है इतना जल्दी से स्क्रीन ले लीजिए इसको जल्दी कर लीजिए तो फिर फटाफट से हम यूटिलाइजेशन पे बता देते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन जो है वो फ्यूल के लिए और इसके यूटिलाइजेशन को किस तरीके से आगे प्रोसीड है ठीक है ले लिया है चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे इसके यूटिलाइजेशन की अब हमने कहा है कि कुछ कुछ जगह जो है जैसे ख़ास तौर से ब्रेन जो है ब्रेन इसको खास तौर से यूटिलाइज़ कर लेता है अपनी एनर्जी के लिए ब्रेन की 50 टू 70 परसेंट जो एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है किसके लिए किसके लिए यूज़ हो सकती है आ, आ, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल है वो कीटोन बॉडीज कर देता है अब हम बात कर लेते हैं आपके यूटिलाइजेशन की यानी कि ये किस तरीके से यूटिलाइज़ होता है फॉर्मूले सारे मैंने आपको बता दिए हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट उन सब के तो आप थोड़ा सा एक बार एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा अब यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है ब्रेन एक्स्ट्रा हेपैटिक टिश्यू और कहाँ नहीं हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है लीवर और आरबीसी में ठीक है तो सबसे पहले क्या हो जाता है कि जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो साइकिल को रिवर्स मतलब कि अब हमको इसको यूटिलाइज करना है एनर्जी जनरेट करना है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो होगा वो आपका एसिटो में कन्वर्ट होगा एसिटू एसिटेट एसिटेट में कन्वर्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो होगा एसिटो में कन्वर्ट होगा और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजीनियस यहां जो एंजाइम होगा दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डी जो है एंजाइम यूज होगा और यहां पर जो है एनएडीएच यानी कि एनर्जी रिलीज होगी एनएडीएच की फॉर्म में और एक एनएडीएच इज इक्वल इक्व हमें मालूम है लगभग 2.5 ATP के अराउंड होता है ठीक है तो एसीटोएसीटेट बन गया है देन एसीटोएसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है थायोफोरेज की प्रेजेंस में एसीटोएसीटेट जो है आपका एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और जो एंजाइम है दैट इज थायोफोरेज दैट इज थायो फोरेज और यहां पर जो आपका सक्सीनाइल को है वो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनाइल को सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब एसिटो एसिटाइल ए देखिए मैंने आपको कहा था कि लीवर में थायोफोरिज एबसेंट होता है इसी वजह से इसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो देखिए ये एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तो थायोफोरिज के प्रेजेंस में यह कोएंजाइम एसिटाइल में कन्वर्ट हो गया है अब यहां पर जो एसिटो एसिटाइल ए है ये आपका किस तरह से हो जाएगा एसिटो एसिटाइल ए यहां पर ए में एसिटाइ acety, आपका एसिटाइल के दो मॉलिक्यूल्स बना लेगा एसिटाइल ए acety, uh, के दो मॉलिक्यूल बना लेगा एंड जो एंजाइम होगा दैट इज दायोलेज दैट इज थोलेस और यहां पर जो है कोएंजाइम ए इसमें ऐड होगा देन फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी ठीक अब यहां पर जो है ये जो थाज है ये हमने सॉरी थाज थायोफोरेस न, जो है वो तो ठीक है एसिटाइल कोंजा में जो है ये आपका हो गया अब यहाँ पर जो है एसिटाइल कोंजा में एक एसिटाइल कोंजाई में आपका एक टी सी साइकिल रन करेगा और एक एसिटाइल कोंजा में एक टी सा, सी साइकिल तो 10 10 करीबन आपके जनरेट होते हैं तो 10 प्लस टेन कितना हो गया ट्वेंटी एट तो ये आपका ट्वेंटी ए के अराउंड जो है यहाँ पर जो है टी साइकिल पर जाएगा और ये ट्वेंटी ATP के अराउंड जन जनरेट करेगा और साथ साथ में यहाँ के टू पॉइंट फाइव ए टी पी तो टू पॉइंट फाइव से ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ए टी पी यहाँ पर जनरेट होते हैं लेकिन इसमें एक्चुअली एक ए टी पी इसके इनिशियल लेवल पे वो हो जाता है जो हमने शायद नहीं बताया था यहाँ पे तो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव माइनस वन ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव तो यानी कि देखिए कीटोन बॉडीज़ के यूटिलाइजेशन से आपको करीबन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव ए टी पी यहाँ पर मिल पा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर ये यह जो हमारा ब्रेन है इसको क्या करता है कि या हमारी जो सेल्स हैं इसको यूटिलाइज कर लेती है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कीटोसिस आपका किटोनीमिया और आपका किता जो इसके जो टेस्टर्स हैं उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं इसके नॉर्मल ब्लड कंसंट्रेशन की जो कीटो keto, आपका कीटोन बॉडीज का जो नॉर्मल ब्लड कंसंट्रेशन है वो है वन एम पर डेसी लेकिन अगर इसका कंसनट्रेशन कीटोन बॉडी कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है ब्लड में तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे कीटोनीमिया एंड कीटोन बॉडीज़ का एक्सक्रीशन हमारे अगर ब्लड में मतलब कि एज ए कीटोन बॉडीज अगर स्टारवेशन या डायबिटीज़ मेलेटिस में बहुत ज़्यादा हो रही हैं तब तो वहाँ पर ये जो है इस कंडीशन को यूरिन में बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ये आपका करीबन सॉरी जो आ, ये करीबन पहुँच जाता है 500 हंड्रेड पर डे के हिसाब से भी एक्सक्रीट होता हो है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोन यूरिया इन दोनों ही फिनोमिना को मिला के हम बोलते हैं कीटोसिस यहाँ पर जो आपका डायबिटीज़ मैलेटस है डायबिटीज मेलेटस के अंदर जो कीटोन बॉडीज कंसनट्रेशन है ब्लड के अंदर 100 एम पर डेसी और यूरिन के अंदर देखा गया है ज़्यादातर 500 हंड्रेड एम पर डे तक भी एक्सक्रीट आउट होता है यहाँ पर जो मेन बात है कि आपका कीटोन बॉडीज़ जो है उसको रोथेरा टेस्ट ये जो रोथेरा टेस्ट है इसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है इसमें भी आपके दो ही एंड कीटोन बॉडीज़ को डिटेक्ट किया किया जा सकता है कीटोन आपका एसीटोन एंड एसिटू एसिटे यानी कि एसीटोन एंड एसीटो एसीटोन एंड एसी टू एसिटे एसीटो एसीटी यहाँ पर इसको बीटाहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को इसमें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता जब कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाते हैं तो हमने कहा कि कीटोन बॉडीज के आ, जो आपका सॉरी जो एसीटोन है एसिटोन वॉलेटाइल होता है और लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है तो अगर कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करना है उसके एक्सेस को डिटेक्ट करना है तो ऐसे पेशेंट्स का के स्मेल में भी एक फ्रूटी स्मेल आने लग जाती है और वो चीज़ जो है डिटेक्ट की जाती है यानी स्मेल के थ्रू भी हम एसीटोन को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कीटो एसिडोसिस कीटो एसिडोसिस जैसे नाम रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड फॉर्मेशन होना किसी कीटोन बॉडी की वजह से तो जो आपकी दो कीटोन बॉडीज हैं एसिटो तो एसिटेड और बीटा बिटाहाइड्रॉक्सी बिता बिटारेट जो है ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जब इनकी कंसेंट्रेशन एज देयर कंसनट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड जब इनकी कंसनट्रेशन ब्लड में एक्सेस में बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जब ये ब्लड में डिसोसिएट होते हैं और ये एच एन रिलीज करते हैं और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको पीएच के बारे में पता है कि जब एच एन ज़्यादा होते हैं तो पीएच वैल्यू लो होती है यानी कि वो एसिड बन जाता है ठीक है तो यहाँ पर विच लोअर द पीएच और ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है आपकी कीटो एसिडोसिस जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है वो काफी सीवियर होता है अगर आपने उसको लंबे टाइम तक ट्रीट नहीं किया है तो वो कॉमा और इवन डेथ भी प्रोड्यूस करता है इफ नॉट ट्रीटेड ठीक है तो ये जो है ये पूरा आपका कीटो आपका फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन और आपका कीटो एसिडोसिस के बारे में था आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा कोई डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू